अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप भाइयों बहनों को मिलती रहे। देखें जी, कंप्यूटराइज डोमिसाइल के बाद डोमिसाइल भी कंप्यूटराइज बनाने का सिस्टम पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला के अंदर शुरू किया गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला के अंदर डोमिसाइल कंप्यूटराइज करने की जो वजूहत है वो ये है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो शिकायतें दाखिल हुई कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से फलाने बंदे ने अप्लाई किया है मेडिकल के लिए, हालांकि उसका ताल्लुक हमारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, भाई हमारी SST जो है, पोजिशन है, JST है, PST है, HST जो मास्टर टीचर्स की जो पोजिशन है उनके लिए हमारे बंदे ने अप्लाई किया है डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन वो उसका ताल्लुक हमारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं है। इन किस्म की जो कंप्लेंट्स आई है, यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के दूसरे सूबे के लोग जाके कुछ कैसे देखे वहाँ से डोमिसाइल करवा के फिर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हक को मारते हैं, वहाँ के लोकल लोग रह जाते हैं और बाहर के लोग वहाँ पे आके वहाँ की जो सीट है वो लेके फिर आगे चल के अपना ट्रांसफर करवा के निकल जाते हैं। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए कंप्यूटराइज डोमिसाइल का सिस्टम पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया है, यानी उसका आगाज किया गया है। देखिए जी, आप जब शनाख्ती कार्ड को गौर से देखें, अगर आपका पुराना शनाख्ती कार्ड बना है, पुराना शनाख्ती कार्ड जो हाथ से लिखा होगा, अगर वो आपका बना हुआ है तो आप अपने नए शनाख्ती कार्ड को देखें, बिल्कुल बैक साइड पर उसके लास्ट में या बैक साइड पे लेफ्ट साइड पे, यानी शनाख्ती कार्ड के बैक साइड और उसके लेफ्ट साइड पे ऊपर से नीचे आप देखेंगे आपके पुराने शनाख्ती कार्ड का नंबर उसके ऊपर लिखा होगा, आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर वहां पे लगा होगा, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिफिकेशन करता है कि आपका जो पुराना जो शनाख्ती कार्ड था वो इस नंबर से था, आपका जो नया शनाख्ती कार्ड है आपका इस नंबर से है। बिल्कुल इसी तरीके से डोमिसाइल के अंदर लाजमी नहीं है कि पुराना अगर आपका डोमिसाइल बना हो तो उसका भी नंबर वहां पर एड किया जाए, ये लाजमी नहीं है, लेकिन कोशिश की जाती है जो बंदा सबूत पेश करता है कि मेरे पास पुराना डोमिसाइल बना हुआ है उसकी कॉपी वो देता है तो वो वहाँ पे नाथरा वाले जो डिप्टी कमिश्नर के अंदर जिनका दफ्तर बना हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से जिसका कोर्ट के अंदर DIG का दफ्तर बना हुआ है नाथरा ने बनाया है, बिल्कुल इसी तरीके से अंदर नाथरा ने पाकिस्तान के हर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अंदर एक छोटा सा दफ्तर बनाया है, वहाँ पर वो डोमिसाइल को ऑनलाइन करते हैं। डोमिसाइल बनाने के लिए आप लोगों को आपके वालिद का CNIC ओरिजिनल CNIC होना लाजमी है, क्योंकि वो अपलोड होता है उसके सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके सिस्टम के अंदर, जब वो आपका अपलोड हो जाएगा ओरिजिनल CNIC, इसके बाद आपको डोमिसाइल बनाने की इजाजत मिल जाएगी। अगर आपके वालिद का डोमिसाइल कार्ड असल नहीं है तो आपके वालदा का होना चाहिए, अगर आपके वालिद और वालदा दोनों का नहीं है तो फिर आपको कंप्यूटराइज डोमिसाइल बनाने में बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि फिर उसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है और शिक्षों में भी बढ़ जाते हैं कि भाई हो सकता है कि आपका ताल्लुक इस डिस्ट्रिक्ट से ना हो। फिर कोशिश की जाती है कि फिर आपकी सारी वेरिफिकेशन की जाती है तो आगे चल के आपका डोमिसाइल कंप्यूटराइज नहीं बनता। आज के दौर के अंदर हर डोमिसाइल को ऑनलाइन वेरीफाई किया जाता है और सारी फैसिलिटी को ऑनलाइन रखने के लिए डोमिसाइल को भी रजिस्टर कंप्यूटराइज किया जा रहा है और कोशिश की जाती है अगर पुराना डोमिसाइल बनाया तो उसका नंबर ऐड करें, अगर पुराना डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो जो नया डोमिसाइल बनाया जाता है उसका किसी भी नया रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई है, अगर आपका पुराना शनाख्ती कार्ड बना है तो नए शनाख्ती कार्ड के ऊपर पुराने शनाख्ती कार्ड का नंबर ऐड होगा, अगर आपका डोमिसाइल पुराना बना हुआ है आपने वहाँ पे कंप्यूटराइज डोमिसाइल बनाने के वक्त पुराने डोमिसाइल की कोई कॉपी वहाँ पे आपने पेश की तो फिर हो सकता है कि आपके नए कंप्यूटराइज डोमिसाइल में आपके पुराने डोमिसाइल का नंबर ऐड किया जाए। अगर देखा जाए तो ये ऐसे नहीं होता,
ये सब इस तरह करते हैं कि जो नया कंप्यूटराइज डोमिसाइल बनाया जाता है तो कंप्यूटराइज डोमिसाइल का नंबर ही उस पर एड होता है, पुराने डोमिसाइल को वहां पे उनके नंबर को शो नहीं किया जाता, लेकिन बहुत से डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पुराने डोमिसाइल का नंबर वहां पे शो किया जाता है। लेकिन ये शर्त नहीं है कि आपके पास पुराना डोमिसाइल नहीं है, अगर बना है उसके कॉपी आपके पास नहीं है तो आपका नया कंप्यूटराइज डोमिसाइल नहीं बनेगा। तब नया कंप्यूटराइज डोमिसाइल बनाने के लिए आपके वालिद और माता का ओरिजिनल सीएनआईसी का होना लाजमी है, आपके सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन की डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए, इसके बाद आप कंप्यूटराइज डोमिसाइल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आप भाई बहनों को पसंद आएगी। शुक्रिया, मेहरबानी।